कुरुक्षेत्र पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने अलग अलग मामलों में नशा तस्करों को काबू करने तथा उनसे भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। वीरवार को एंटी नारकोटिक सेल की अलग अलग टीमों ने 3 मामलों में 4 आरोपियों को काबू करके उनके कब्जे से 9 ग्राम हेरोइन, 10 किलोग्राम चूरा पोस्त तथा 800 ग्राम अफीम बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सर क्या बताएं? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में नशे की रोकथाम के लिए लगातार कार्य जारी है। हमारे एसपी साहब श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया आईपीएस एसपी कुरुक्षेत्र के मार्ग निर्देश में उनके दिए दिशा निर्देशानुसार लगातार नशा तस्करों की धरपकड़ जारी है, लगातार अभियान जारी है। जो उसी कड़ी में हमारी एएनसी की टीम को 3 अलग अलग मुखबरी सूचनाएं मिली थी। जो एक सूचना मिली थी कि शिव कुमार पुत्र दीनदयाल बरेली का रहने वाला है और ये अफीम लेकर आ रहा है और इसको अगर राउंडअप किया जाए तो इससे भारी मात्रा में अफीम बरामद हो सकती है। जो हमारी एएनसी की टीम ने सूचना पाकर पिपली नाकाबंदी की, जो नाकाबंदी करके इसको राउंडअप किया, मौका पर गश्ती साहिबान को बुलाया, जो इसकी तलाशी लेने पर इससे 800 ग्राम अफीम बरामद हुई, जो इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर थाना सदर थानेसर में करवाया गया और इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। आगे की तफ्तीश जारी है और इसी कड़ी में हमारी एएनसी की टीम को एक अन्य सूचना प्राप्त हुई कि लखविंदर सिंह पुत्र अजय सिंह और मनप्रीत पुत्र बलबीर सिंह पटियाला के रहने वाले, ये पंजाब के, ये अपने ट्रक में 10 किलो चूरा पोस्त लेकर आ रहे हैं। जो इनकी तलाशी नाकाबंदी करके तलाशी ली गई, मौका पर गजिस्ट्रेट साहिबान को बुलाया गया तो इनके कब्जा से 10 किलो चूरा पोस्त बरामद हुआ, जो इनके खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया। और इसी कड़ी में एक अन्य सूचना और प्राप्त हुई थी कि राहुल चड्डा पुत्र चंद्र प्रकाश, ये शाहबाद का रहने वाला है, ये समय को बेचने का काम करता है, जो आज भी ये समय ले रहा है और बेचने के लिए जा रहा है। तो इसी कड़ी में हमारी एएनसी को सूचना मिलने पर लडवा चौक शाहबाद पर नाकाबंदी की और वहाँ इसको काबू किया, जो इसके कब्जा से 9 ग्राम समय बरामद हुई, मौका पर गजिस्ट्रेट साहिबान को बुलाया गया और इसके खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर थाना शाहबाद करवाया गया। जो इसी प्रकार हमारी लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलता रहेगा, कार्रवाई चलती रहेगी।